आज हम अपने स्टूडियो का सबसे महंगा अपग्रेड करने वाले हैं। हमने 10,000 रुपए की केबल, 10,00,000 रुपए का सर्वर, बड़े बड़े कैमरा, बड़ी बड़ी गाड़ियां सब ट्राई कर ली, बट आज पिक्चर वाला कैमरा। इस कैमरे को पूरा सेटअप करने के बाद हम इससे काफी नेक्स्ट लेवल BMW की फुटेज लेंगे एकदम रात में और व्लॉग करके भी देखेंगे भाई कर पाते हैं कि नहीं। जसकीर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? मेरा तो भाई रेड। मेरा भी फेवरेट कलर रेड है यार। और रेड ही पहना हुआ भाई। भैया आपने मैरून पहना है। एडिटिंग में थोड़ा चेंज कर देंगे ना। हमने खोल लिया वेबसाइट भाई, यहाँ पे दिखा रखा है क्या क्या शूट होता है। मनी हाइस्ट, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, सीक्रेट गेम, सब। बस एक चीज की कमी रह गई है, पैसे की कमी। ये वाला ऑर्डर कर देंगे। ओ कोमोडो भाई, गला है कुछ लिखा हुआ है इसमें कि HQ MQ 6K रेजोल्यूशन। आपको भैया, मैं भी इनको ये कहना चाह रहा था, जली जीवन है भाई। लेकिन ये तो गलत मार्केटिंग है भाई, ये तो वाटरप्रूफ नहीं है कैमरा। जिसकी वजह से भाई दोनों किडनी में दर्द होने लगा। देखो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ा। आईफोन बेच के मैं इसको यूज करूंगा, फिर इसकी वीडियो बनाऊंगा, फिर यूट्यूब पर डालूंगा, फिर पैसा आएगा, फिर से आईफोन। मस्त प्लान है। हमने प्लेस तो कर दिया ऑर्डर, लेकिन 2 महीने दिखा रहा भाई। 2 महीने में अक्षय कुमार जी 4 पिक्चर खत्म कर दे, हम पीछे दौड़ा रहेंगे यार। हमको पिक्चर बनानी है यार। वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट जसकीरत भाई। जिन लोगों को पता नहीं, मैंने स्टार्ट करा था वीडियो बनाने से मोबाइल पे। मैं गरीब नहीं था, कंजूस था। फिर हमने कैमरा खरीदा 40,000 रुपए का, फिर थोड़ा और महंगा कैमरा खरीदा, सोनी वाला। अब भाई मेरे से ना रुका नहीं जा रहा। सन 1922 की बात है, हमने रेड ऑर्डर करा था, कहीं आते आते येलो ना हो जाए। अरे वो आ गया। कैसा लगा मेरा मजाक? हमने बिट्टू भैया रख लिए, वो सब पहुंचा देते हैं हाथ में भाई। फाइनली भाई हमारे पास आ चुका है रेड कोमोडो। लग रहा है डब्बा छोटा क्यों? डब्बा छोटा इसलिए क्योंकि खाली कैमरा है, ना लेंस है, ना हैंडल है, कुछ भी नहीं है। जिसकी वजह से डर लग रहा है क्या? बहुत ज्यादा भाई, बहुत लग रहा है। इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? महंगा कैमरा नहीं देखा ना जिंदगी में। नाप तो उसे मंगाया था क्या? क्वालिटी तो सही लग रही है। मजाक कर रहे थे, ये है एक्चुअल रेड का डब्बा। और ये वाला भी रेड का डब्बा है, हमने 2 मंगाए क्योंकि अकेला ना लगे ना किसी को। क्या क्या निकल रहा है भाई? स्टिकर, वो तो तगड़ा है। एक चीज बढ़िया कर, पूरी मैनुअल यहीं पे दे दी। ये हमारी तार, इसके अंदर बिजली आती है भाई। ये तो ब्लैक निकला, ये बस नाम रेड है यार, ये तो धोखा मिला है। एक दो बटन वटन रेड कर दी भाई, ये क्या मजाक है भाई? दिस इज क्लिक बेट। और क्या मिला यार? अडाप्टर, ये लेंस का कवर, इसमें पीछे की तरफ बैटरी लगती है 2, इस तरफ एक मेमोरी कार्ड लगता है जो हम मंगाना भूल गए। क्या करें हम इसका? 3,000 years later इस डब्बे को चलाने के लिए ये सब और मंगाना पड़ा। अरे डब्बा बेच के अमीर हो जाएंगे भाई। बट अब आ गए भाई फाइनल मोमेंट, ये है रेड कैमरा। जिन्होंने नहीं बताया, रेड कैमरा एकदम टॉप ऑफ द लाइन है, इनसे पिक्चरें शूट होती हैं। और इस वाले कैमरे से भी आप 6K वीडियो शूट कर सकते हो। इनका लेटेस्ट कॉम्पैक्ट सिनेमा कैमरा है, और जो देख सकते हो इसके फ्रंट में लेंस लगता है, मेमोरी कार्ड, बैटरी, सारी चीजें लगती है। एवेंजर जिन्होंने दिए, टेस्ला टी है, थानोस भैया ने तोड़ के इसी को अंगूठी में डाला था। बट भाई काफी खर्चा हो गया इसके। इसका हमने ना मेमोरी कार्ड लिया 50,000 का, हैंडल 50,000 का, ये थोड़ा थोड़ा मेटल की ऐसी बाउंड्री दिख रही है, ये 12,000 की, ये दो बैटरी लगती है इसमें 30,000 रुपए। व्हाट इज दिस जोक भाई? ये दोनों बैटरी हमने लगा दी। इसको चलाने के लिए ट्राइपॉड भी चाहिए था, बट बस 2 ही होती है ना भाई। तो जैसा कि देख सकते हो, पूरा सेटअप करके हल्का फुल्का ऐसा लगता है दिखने में। एक लेंस लगा रखा है काफी बड़ा वाला, उसके बाद माइक वाला थोड़ा बहुत सामान, एक फोन लगा रखा है हमने एक्चुअल चीजें देखने के लिए, और पीछे बैटरी लगा रखी है। बिल्कुल मजाक वाली बात नहीं है। इन कैमराज में एक खास बात होती है कि भाई इनमें बहुत सारी चीजें अटैच होती हैं एक एक करके, तब जाके अपने हिसाब से सेटअप्स क्रिएट होते हैं। ज्यादातर पिक्चरों में इससे 10 से 20 गुना ज्यादा चीजें अटैच करी जाती हैं, और सिंगल कैमरा को चलाने के लिए 2 से 3 लोग लग जाते हैं। जैसे कि देख सकते हो ऊपर की साइड रेड लिखा है, बट ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और यहाँ पे स्क्रीन है, कुछ बटन्स हैं, राइट साइड में देखो ये एंटीना है जिसकी वजह से मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। पहले के फोन वोन में एंटीना आता, अब भाई कैमरे के अंदर एंटीना, उसके साथ साथ एक ऑन ऑफ का बटन है, एक रिकॉर्ड का बटन है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगाने वाला चुपके, और एजेक्ट बटन है। जब प्लेन में रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो ऐसे सीट बाहर फेंकने के लिए। कैसा लग रहा है? बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा है। इसको पकड़ के दौड़ पाओगे? गिरूंगा पक्का। बोलो भाई कैच। भाई एक तो ऐसी कैमरा समझ में नहीं आता, और ये बाजूका हाथ में दे दिया। ये फोन है, उसके साथ बीच में कैमरा लग गया, तो फोन का कैमरा है बहुत बड़ा। पोपट मत बनाओ मेरे। अरे बाप रे, ये ज्यादा क्या है? इसको ऐसे उठा के गिरो, कार्डियो हो जाएगा। इससे क्या मैं टिकटॉक बना सकता हूँ? ये जिम का एक प्लेट इससे ज्यादा भारी है। लो यार हल्की चीजें मत पड़वा यार मुझे।
बट भाई फाइनली टाइम आ गया है इस वाले कैमरे के ऊपर स्विच करने का। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये ऐसा क्या कर रहा है? आईफोन से भी हमारी बढ़िया वीडियो आती है और ये वाली हमारी कैमरे से है जिसमें क्वालिटी काफी अच्छी और फोकसिंग भी बहुत ज्यादा तेज है। इसमें सारे प्रोफेशनल माइक्स लग जाते हैं, 4K रिकॉर्डिंग हो जाती है। ऐसा क्या ही कर रहा है कैमरा की इतना बड़ा है और इतना महंगा है। इस कैमरे में काफी सारी मस्त चीजें, जैसे 20 मेगापिक्सल का कैमरा और इससे फोटो भी नहीं खींच सकते। बट ये वाला कैमरा तगड़ा इसलिए क्योंकि इसमें वीडियो बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक आती है। तो जैसे टीवी पे आप सीरियल देखते हो, थिएटर में जाके पिक्चर देखते हो, सीरियल की भी क्वालिटी बढ़िया है यार। उसमें भी भाई सास बहू का नहीं आता ना भाई, बट मूवी हॉल में जाके देखता वही चीज अलग सी लगती है। समझ नहीं आता क्यों अलग है, बस है अलग। और अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं सोनी से, तो आप देख सकते हो भाई बैकग्राउंड में काफी सारी लाइट है, काफी सारे कलर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सही हैं। बट अगर ये सेम चीज हम प्रोडक्शन लेवल इक्विपमेंट से करें तो मैं दिखाता हूँ कैसा होगा। 1 2 3 ये है रेड की वीडियो। ये माइक भी हमने थोड़ा चेंज करा है, ये भी टीवी और फिल्म प्रोडक्शन में जो माइक यूज होता है वो है। तो आपको ऑडियो और वीडियो में दोनों में ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का फर्क दिखेगा, बट हल्की सी बेटर क्वालिटी, हल्की सी बेटर कलर से जो पीछे बैकग्राउंड में घास फूस है ये थोड़ी सी बेटर दिखेगी। और इसके साथ झंझट भी आती है, ये जो बड़ा वाला कैमरा है इसको चलाने के लिए 2-3 लोग चाहिए। अभी जस्ट किरत भाई को ऊपर चढ़ के शूट करवाना पड़ रहा क्योंकि फोकस नहीं करता भाई, मेरे को आधे टाइम ऊपर देखना पड़ता है और अगर मैं लेफ्ट हो जाऊँ तो फोकस गायब, मैं राइट हो जाऊँ तो फोकस गायब, एक ऐसे स्क्वायर बॉक्स में रहूंगा तो फोकस रहता। ये रेड का पहला कैमरा है जिसमें हल्का सा भी ऑटो फोकस है, नहीं तो भाई खुद बैठ के ऐसे रिंग घुमा घुमा के फोकस करना पड़ता था। आप लोग बताओ ये रेड की फुटेज ज्यादा बढ़िया है या फिर ये सोनी वाली फुटेज ज्यादा बढ़िया थी? और क्वालिटी में इतना बड़ा डिफरेंस है कि ऐसे पूरा हम कम्प्लीटली शिफ्ट करें। हमने सोचा था थोड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो और थोड़ा नेक्स्ट लेवल हम शूट करते हैं उनको हम रेड से करेंगे, बट फाइनली भाई काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है इन दोनों को कंपेयर करने की और आपस में देखने की भाई कौन सा कितनी तगड़ी वीडियो ले पाता है। दोस्तों साइज डज मैटर, आप लोगों ने नोटिस करा होगा जितने भी यूट्यूबर हैं कोई एक बड़ा कैमरा मतलब रेड या सिनेमैटिक कैमरा यूज नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि इनमें दिक्कत भी बहुत ज्यादा है। तो सीन होता है जैसे जैसे कैमरा बड़े होते जाते हैं और जैसे जैसे इनकी क्वालिटी बढ़ती जाती है इनके फीचर कम होते जाते हैं। अब सोनी वाले कैमरे के अंदर ऑटो फोकस है, तो मैं पास जाऊंगा चाहे मैं दूर जाऊंगा आराम से फोकस कर लेगा, बट इस वाले में ऐसे में पास जाऊंगा ब्लर हो जाऊंगा, दूर जाऊंगा दूर जाके ब्लर हो जाऊंगा और गिर जाओ तो भी, और अगर मैंने ऑटो फोकस कर दिया तो ये होगा। अब फोटो नहीं ले सकती, इंस्टाग्राम की रील बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर मैं इस कैमरे के ऊपर 4K या 2K वीडियो बनाऊं तो मेरे को एकदम ऐसे फ्रेम ऐसे छोटा हो जाता है, मेरे को एकदम दूर दूर जाके बनानी पड़ेगी। इस पे अगर रिकॉर्ड करना है तो मेरे को 6K पे ही करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स जैसा आपको स्टार्टिंग में दिया ये 50,000 में नया कैमरा, मेमोरी कार्ड, केस वेस पूरा स्ट्रैप रैप लगा के देते हैं बढ़िया से यार। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस एक कैमरे की अगर हम पूरी जो वीडियो बनाएंगे उसका साइज 1.5 TB होगा। देखो हमने सर्वर लिया था कुछ टाइम पहले 100 TB का, तो हम बस 100 वीडियो बना पाएंगे। उसके बाद खून के आंसू रोएंगे क्योंकि फिर से 10 लाख का एक और सर्वर लेना पड़ेगा। देखो बेसिकली 3 बड़े बड़े कैमरे के टाइप होते हैं। एक होते हैं ये DSLRs, इनकी भी क्वालिटी काफी अच्छी होती है और भाई मोबाइल से डेफिनेटली काफी बड़ा अपग्रेड होता है। बैकग्राउंड में सब ब्लर ब्लर हो जाता है भाई, लाइट लाइट गोल गोल दिखती है और इससे हम सबसे पहले शूट करते थे। फिर हमने शिफ्ट करा था सोनी के मिररलेस कैमरास के ऊपर, इसमें काफी सारे फीचर होते हैं स्लोमो, और जब तक हमने इसे शूट करा की वीडियो भाई बहुत तगड़ी लगती है, बट जैसे हम इसके बड़े भैया को लेके आए थोड़ा सा सस्ता सा लगने लगा। और ये शिफ्ट आपको दिखाता हूँ कैसा लग रहा था। जैसे अगर आप इस वाले सेटअप पे देखोगे तो थोड़ा सा हल्का चीप लगेगा, और अगर मैं जूम करके भी दिखाऊं ये इसमें जूम करके दिख रहा है और ये इसमें जूम करके दिख रहा है, पर इसमें और मिररलेस में ये फर्क है कि ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल। सोनी वाले कैमरे में क्या रहता है कि अगर आप बैक साइड पे देखोगे इसमें काफी सारी सेटिंग होती है, ISO, कलर टेम्परेचर, कलर प्रोफाइल, पिक्चर प्रोफाइल, और इसमें समझ लो आपने रिकॉर्ड करा और पूरा व्हाइट व्हाइट आ गया तो गई बाय बाय। पर इस वाले कैमरे के अंदर वो वीडियो इतनी ज्यादा बड़ी इसलिए होती है क्योंकि आप रिकॉर्ड करने के बाद भी कभी गोरा होने का मन करा, दिन को रात अगर करने का मन कर लिया भाई सारी चीजें हो जाती है। ये वाली रेड की फुटेज है, जैसे कि देख सकते हो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है रेड की रॉ सेटिंग्स में जाने का, और यहाँ पे मैं कलर प्रोफाइल चेंज कर सकता हूँ। अभी जैसे 6400 ISO हो गया, मैं जाके 100 बना सकता हूँ। इसके बाद अगर कलर टेम्परेचर करना चेंज तो भाई टिंट भी चेंज हो जाता है, सैचुरेशन में बढ़ा सकता हूँ। ये सारी चीजें यूजुअली जब भी हम सोनी या कोई भी और कैमरा यूज करते हैं आईफोन में भी हमको रिकॉर्ड करते टाइम ये सारी चीजें मेक श्योर करनी होती है सही हो, बट इसमें बाद में भी जाके पूरा चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस वाले रूम में कोई लाइट नहीं थी, बस ये प्रोजेक्टर की लाइट है। अभी इसमें जाएंगे सेटिंग में, ISO इसको 200 से हम कर देंगे, ये कर दिया 1200, एकदम अंधेरा था फुटेज में और हमने इसको भाई एकदम उजाले में कर दिया। भाई ये देखो भाई, ओहो, ये वेंकटेश भाई उदास। और ऐसे हमारे टाइप के शूट में इतना काम नहीं आता, बट जो लोग पिक्चरें बनाते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा फीचर है। पर सेटअप को कंप्लीट करने के लिए सब कुछ महंगा लगा रहा, फोन का अडैप्टर, लैपटॉप का अडैप्टर, ये लाइट का अडैप्टर इतना बड़ा। ये लाइट गेस करो वेंगड़ी भाई कितने की? ट्यूबलाइट 200 की आती है तो ये होगी 5-10 हजार की। वेंगड़ी भाई इसकी कीमत कुछ मांसपेशियां थी जो मैं अपने पेट की निकाल के किडनी के बाद बस वही बचा था। ये लाइट्स
एक्चुअल मूवीज में यूज होती है शूट्स के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा ब्राइट होती है और काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, चेहरा काफी ज्यादा स्मूथ सा दिखता है। और इसका प्राइस है 5,20,000 रुपए, और जो आगे काला गत्ता लगा है इसका 50,000 रुपए, स्टैंड का प्राइस है 40,000 रुपए। मैं सोच रहा हूं जॉब पकड़ लूं, 100 ट्यूबलाइट लेके खड़ा मैं खुद हो जाऊंगा, स्टैंड वैंड की भी जरूरत नहीं पड़ी। बट अब सब लगाने के बाद भाई सबसे बड़ी दिक्कत है कहीं हमारे पैसे खराब तो नहीं हो गए, हम इसको यूज भी कर पाएंगे कि नहीं। एक्चुअली क्योंकि मैं बताता हूँ, जैसे हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी ना, हमें ऑटो फोकस नहीं होता और बहुत सारी और भी दिक्कत है, तो पता नहीं एक्चुअली हम इससे रिकॉर्ड करके वीडियोस डाल भी पाएंगे। फर्स्ट मेजर दिक्कत तो ये है कि फाइल का साइज बहुत ज्यादा है तो पूरा सर्वर स्लो हो जाता है, उसकी वजह से एक बंदा अगर कॉपी कर रहा है ना तो बाकी 4 बंदों का काम उसकी वजह से रुक जाता है। काफी दिक्कत आ रही है उसको रेंडर करने में और उसको प्लेबैक करने में, तो आई थिंक कि वी आर स्टिल फिगरिंग आउट कि कैसे क्या होना है, बट अभी फिलहाल एडिट बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। मैंने कभी पहले रेड कैमरा का नाम भी नहीं सुना था, मुझे आज पता लगा 10 लाख का कैमरा होता है, कभी सोचा नहीं था कि यार इतने महंगे कैमरे में भी शूट करूंगा, बट लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले बार मेरी जिंदगी में सुना है कि कैमरे के अंदर भी एक फैन होता है, तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। माइक कैसे अलग अलग टाइप के आते हैं, बड़े वाले माइक इसमें ऐसे बैठ के बोलूं लैपटॉप में कनेक्ट हो जाता है, और ये कैमरे के ऊपर लगने वाले जो मस्त क्वालिटी देते हैं, बट इससे हल्का सा बेटर और हल्का सा ऐसे सॉफ्ट सा ये वाला लंबू। दोस्तों हम ब्लॉगिंग अब सस्ते कैमरे से नहीं करेंगे भाई, हम ब्लॉगिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। आजकल भाई जा रहा जिम, तो अब सारी एनर्जी एक ही आगे, जिम का कॉल आ गया मेरे पास, कमिंग जस्ट कमिंग, बड़ा इससे चेक कर लेंगे ब्लॉगिंग कितनी तगड़ी हो पाती। हेलो गाइस, मेरा नाम है श्लोक, आप देख रहे हैं टेक बर्नर, और आज हम करेंगे ब्लॉग। भाई जेन्युइनली दर्द हो रहा है भाई, पकड़ा भी नहीं जा रहा, बट मैं इसको अलग अलग एंगल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और एक्चुअली जैसे कि आप देख सकते हो भाई, काफी ज्यादा शेक भी आ रहा है, और मैं अपनी बॉडी के नीचे थोड़ा पकड़ना भाई, मेरे को तो एक तो ऐसे पकड़ना पड़ता है इतनी दूर, क्योंकि इसमें और कोई लेंस नहीं है, एकदम पास वाला आता हूं। और इसके साथ साथ अगर मेरे को पीछे का दिखाना, मतलब कैमरे के पीछे का ऐसे पकड़ो भाई, सिनेमैटिक वेंगड़े भाई, सिनेमैटिक व्लॉग्स। What is up guys? Today we'll do tech burner videos tonight. Football playing also. मेरा literally थोड़ा ना लेफ्ट हैंड में पकड़ रहा, हाथ थोड़ा सा काम पर है, नसे वसे सारी बाहर आ गई है। इस वाले कैमरे से व्लॉग करना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आधे टाइम फोकस में नहीं आओगे, आधे टाइम हाथ दर्द हो रहा है, और आधे टाइम फुटेज आ रही है एक एक टीवी की गूगल ड्राइव के ऊपर। तो भाई मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं, मेरा पर्सनली इस फुटेज को देख के बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है भाई शिफ्ट हो जाते हैं और मस्त मस्त चीजें बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं आप लोगों से भी सुनना चाहूंगा भाई, क्या इतना बड़ा फर्क है कि हमको पूरा शिफ्ट होकर एक नए कैमरे पे आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम कभी वर्क फ्रॉम होम में एडिट नहीं कर पाएंगे। काफी सारे अगर लॉकडाउन लगा तो उस टाइम पे भी हमको जो फुटेज है वो डाउनग्रेड करनी पड़ी। देखते हैं भाई कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, होप कि आप भी, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। भाई इसको पकड़ पकड़ के ऐसा हो गया है भाई, पुष्पा बन गए, मैं झुकेगा नहीं साला। थोड़ा सा दर्द है बस।